वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। हम सब भी ठीक ठाक है आप सबकी दुआओं से। और आज का ब्लॉग जो है वो है अंबर की बर्थडे के लिए। तो ये एक दिन पहले का ब्लॉग है, फिर इंशाल्लाह मैं दोनों ब्लॉग्स जो है ना वो एक ही में कर दूंगी प्लस, क्योंकि फिर बोर बोर से हो जाते हैं ना देखने वाले। तो इसलिए मैं आज शॉपिंग भी आप लोगों को दिखा दूंगी, साथ में आप लोगों को सेलिब्रेशन भी दिखा दूंगी। तो खैर, अंबर से मैंने पहले पूछ लिया था कि भाई तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, तो उसने अपनी मर्जी का गिफ्ट मुझे बता दिया है। तो अभी बस मैं वही देखने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है ना मुझे जाना है अरेंजमेंट्स को देखने, क्योंकि अंबर की जो बर्थडे है वो वहीं पर सेलिब्रेट हो रही है, जहाँ पे इधर आ जाओ, जहाँ पे मेरे बच्चों की जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी। तो इसलिए जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं इंतजाम देखने के लिए, यानी कि कुछ बलून्स वगैरह जो है ना वो लेके देने हैं। तो मैं जा रही हूँ बलून्स वगैरह देखने के लिए। तो अंबर से मैंने थीम मालूम कर ली है, तो उसने बताया है कि वाइट एंड ब्लैक की जो है ना थीम है। तो हम लोग बस वहाँ से जो है बलून्स वगैरह लेंगे, उसके बाद जो है मुझे जाना है तहसीन को पिक करने के लिए, क्योंकि उसको भी गिफ्ट लेना है अंबर के लिए। तहसीन को भी वहाँ से पिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम बाज़ार। और बारिशों का सीज़न चल रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के पास जब ये ब्लॉग जाए तो उस वक्त तक जो है बारिश या रुक जाए, क्योंकि ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा लेट मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा वो अंबर अपने ब्लॉग में बता देगी आप लोगों को। तो खैर, अभी हम लोग चलते हैं और जाते हैं, देखते हैं कि भाई गिफ्ट जो है वो अंबर के मर्जी वाला जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, सही रहता है ना कि गिफ्ट देने वाले को जो ना उससे पूछ लो। वैसे मैं पूछती नहीं हूँ, इस साल मैंने पूछ लिया, मैंने कभी बता दो तो मुझे चाहिए, वरना मैं तो वो सीधा साधा सूट लेने जा रही थी। और मुझे जो है ना बेस्ट ऑप्शन लगता है सूट देना, क्योंकि परफ्यूम में ही होता है कि परफ्यूम मम्मी लगाने नहीं देती है। शादी से पहले मुझे भी नहीं लगाने देती थी कि तुम लड़की हो, ये वो है, परफ्यूम ना लगाओ ये वो। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा परफ्यूम तो मैं दे नहीं सकती हूँ उसे, सीधा साधा एक सूट ही था। लेकिन उसने कुछ और मुझे बता दिया जो उसकी ज़रूरत होगी उसको। तो उसने कहा भाई बाजी ये दे दो, मुझे लेना है तो आप दे दो। तो बस जल्दी चलते हैं, और काम अभी बहुत सारे पड़े हैं, हम जाएंगे। चलो जल्दी करो, पापा बुला रहे हैं। पापा वो करो, बारिश हो जाए ट्यूशन में। ब्लैक एंड वाइट है ना, कितने हैं ये तकरीबन, ये क्या चीज है ये? अच्छा ये भी ले लिया, ये भी लिया, अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ हाँ, अच्छे लाइट हो रही है। हाँ सिल्वर, लेकिन गेज से फूलेंगे ये। ये गेज से कल तहसीन हमारे साथ अंबर के लिए गिफ्ट लेने के लिए, तो अभी बस इसको गिफ्ट दिलाते हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपना गिफ्ट लेने के लिए जो कि मुझे अंबर को देना है। तो हम लोग आए हैं यहाँ आटो गांव की तरफ, और शुक्र है कि बारिश जो है ना वो अभी नहीं हो रही है। चले आ जाए जल्दी। तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर कपड़े खद्दड़ के मिल रहे थे, लॉन और कॉटन के जो है ना बहुत कम यहाँ पे स्टफ नज़र आ रहा था, क्योंकि अभी सर्दियों का है तो विंटर्स में जो है खद्दड़ ही मिल रहा है। लेकिन हमारे क्योंकि इतनी ठंड नहीं होती, तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम लॉन या कॉटन को लें। और यहाँ पर जो है ना एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी, और अभी नहीं मुझे हमेशा ही लगती, कि ये लोग जो सेल का नाम दे देते हैं ना कि इतना 30% या 20% ऑफ चल रहा है, मुझे लगता है सिर्फ उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्योंकि ना जो चीज़ 6,000 की होती है ये लोग उसके अंदर 9,000 के चिट लगा देते हैं, और फिर दोबारा से उसको 6,000 करके बेच देते हैं। और कुछ मासूम खवातीन होती हैं जो कि सेल के नाम पर जो है ना एक सूट के बजाय 4-4 सूट ले जाती हैं, जबकि अगर देखा जाए तो वो चीज़ उतनी की होती है जितनी की वो ये लोग सेल के बाद भी दे रहे होते हैं। तो मुझे कुछ सूट्स यहाँ पर अच्छे लग रहे थे, लेकिन सेल वाली कोई उनमें बात नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा अगर लेना है तो बस यही सोच के लेना है कि ये हम एक्चुअल प्राइस पे ही ले रहे हैं। तो तहसीन का गिफ्ट लेने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपना गिफ्ट लेने के लिए। और अंबर ने जो है ना मुझसे मंगवाई थी 3-in-1 मशीन जो होती है, जिससे बाल स्ट्रेट भी होते हैं, रोलर भी होते हैं, और तीसरी चीज़ एक और है जो मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। लेकिन इतना पता है कि शायद वो बालों का जो है ना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देती है। तो खैर, मैंने तो ये चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं करी, इसलिए मुझे इतनी मालूमात भी नहीं थी। तो बस जो दुकान वाले बता रहे थे मैं बस वही मैंने लिया, और अब मैं लेके बस जा रही थी। तो अंबर को दिखा दूंगी, अगर उसको पसंद आ जाएगा तो ठीक है, वरना फिर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आई हूँ मैं अलफजर फूड्स यहाँ पर सामान देने के लिए, क्योंकि ये सजावट का सामान था, बलून्स वगैरह, तो एक रात पहले ही इनको देना होता है। हमारे बच्चों की जब यहाँ पर बर्थडे हुई थी तो ये जब भी हमने यही करा था कि एक दिन पहले दिया था, तो अभी रात को हम लोग दे देंगे, क्योंकि दूसरे दिन जो तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का वाइट बीट रूट पाउडर, और इसको जो है ठंडी ग्लास पानी के अंदर एक चम्मच जो है भर के डालें और इसको घोल के पी लें।
तो ये आपके दिमाग को तेज करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर का जिसको प्रॉब्लम होता है उनके ब्लड प्रेशर को भी ये लेवल में लेकर आता है। और वैसे भी अभी ये जो मौसम चल रहा है ठंड का, इसमें जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो इस मौसम में ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चला जाता है। तो अगर आप इसका एक गिलास रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो वो भी जो है कंट्रोल में रहेगा। तो आप लोग अगर इसको मंगवाना चाहते हैं तो इसके फिर मैंने लिंक दे दिया, आप इसको ऑर्डर करें और इसको मंगवाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और स्किन के लिए भी, या वही चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो मुझे खुद फ़ायदा दे रही होती है। इसमें से कोई भी एक चीज़ भी ऐसी नहीं होती जो मुझे खुद को नुकसान दे रही हो और मैं आप लोगों को बता दूँ। तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक दे दिए, और अगर आप 10 का कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिन लेकिन आज बारिश हो रही है और हल्की हल्की पुकार है, जैसे कि देखें गीली हो गए जो सीढ़ियाँ मेरी सारी गीली हो गई हैं, हल्की हल्की पुकार है लेकिन बारिश हो गई है। चलें जी, खैर है, देखते हैं। देखिए ये गीला हो रहा सारा। तो बच्चे ट्यूशन जाएंगे और मुझे जाना है अपना सूट लेने के लिए टेलर के पास, और रास्ते में बारिश भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और साथ में धुंध भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। सर्दी कैसे है और बारिश नहीं, कहाँ जा रहे हो? टेलर के वहाँ से नाम बर्द के इतनी बारिश में बर्द बात शूज है वो कीचड़ में हो गए, तो मेरी कमीज़ में जो ना थोड़े बहुत बटन्स थे वो लग रहे थे और साथ में कुछ तुरपाई वगैरह थी तो वो भी हो रही है। तो बस ये भाई वो कर दें तो उसके बाद बस मैं सूट लूँगी और उसके बाद जल्दी से घर चले जाऊँगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मेरे पहले के व्लॉग में आप लोगों ने काफ़ी मुझे कहा था कि आपकी टेलर जो है वो बहुत अच्छी हैं, आपको एक दिन में सी के दे देती हैं, हमारे इतने दिन में आते हैं। तो ऐसा होता है कि जो आपके काफ़ी पुराने जो है ना सीरे होते हैं ना कपड़े, तो वो ऐसा होता है कि इमरजेंसी में या अर्जेंट जो है ना वो एक दिन में सीके दे देते हैं, वरना अदरवाइज़ अगर आप किसी नए टेलर के पास जाते हो तो वो थोड़े से नखरे दिखाता है, लेकिन माशाल्लाह मेरी टेलर जो है वो अगर मैं कहती हूँ उनसे एक दिन में तो वो सीके दे देती हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से, पप्पा को खड़े पीछे। पप्पा तो वालेकुम अस्सलाम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बर्थडे में जाने के लिए, है ना? तो बस हम लोग जाएंगे और फिर उसके बाद वो लोग आएंगे और वहाँ पे हम लोगों ने कैसा इंतजाम करा है, क्या कुछ हुआ है? अरे देख लेंगे ना यार वो। हाँ, वो देख लेंगे, वो आएंगे, हम केक खाएंगे, हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम घर आएंगे। अच्छा मैं बहुत सब कुछ सब पता चलते हैं, वो जमा नहीं बता रहा सब कुछ। चलो अंबर अपने बर्थडे वाले इतना नहीं बोलते ये क्या? अच्छा कभी नहीं बोलता बंदा, पहले खामोश हुई थी ना, खामोश हुई थी अम्मी बता दी, खामोश हुई थी, मैं डॉक्टर ने मुझे चपेट करा करा के रुलाया था। खामोश होते कैसे जाते अच्छा चले जी चले, बच्चा पार्टी यहाँ पे लगी। अरे अंबर रुको, अरे बस हो गया यार घर जाकर, जब इसके अपने ब्लॉग पर तभी सारी लाइट्स लगाती है। अच्छा बताओ उनका मेकअप कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मेकअप इनका मैंने किया है और अपना मेकअप भी मैंने खुद ही किया है, और ये सूट वही है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, और अम्मी भी वो रही, तहसीन भी वो रहा, और सब ये रहे, और ये सारे चाह रहे हैं कि मेरा ब्लॉग जो है ना अंधेरे में बने, सब बंद किए जा रहे हैं लाइट्स बार बार। ये बार आपने शूज पहन लिए तो चले जी हम लोग अभी आपको, तो चले जी हम लोग अभी आपको वहां पे जाके दिखाते हैं। और आज ये बात की बड़ी खतरनाक सी लग गई, जहांगीर का नहस लग गया है बात के, है ना, बात के नहस लग गया बड़ा खतरनाक सा। चले जी अभी हम लोग आपको वहां पहुंच के ज्वाइन करते हैं। और ये रहा मेरा वो सूट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो कि इन्होंने मुझे दिया है, और ये वही जो है पम्प्स हैं जो मैंने भावलपुर से ख़रीदे थे, तो ये मेरे सूट में आज मैच भी हो गए ये हैं। और ये सूट जो है कुछ ऐसा लग रहा है पहनने के बाद, तो चलिए जी चलते हैं। और ये मैंने कवर भी जो है ना कल लगवाया था, देखें मैच हो रहा है, ये भी इत्तेफाक से मैच हो गया है। और बाहर जो है ना बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश में बन रही है अंबर की बर्थडे। अच्छा अच्छा तो मैं लाइट बंद करने जा रही हूँ क्योंकि लाइट भी जा चुकी है और बारिश हो रही है।
बारिश हो रही है और साथ में जो है ना हस्बैंड गए अभी गिफ्ट को लेने के लिए, गिफ्ट हमने दे दिया था यहाँ पे पैक करवाने के लिए। हो गया पैक, बारिश हो रही है भाई। हुसैन, अरे वाह, हुसैन सेकंड टाइम आया है यहाँ पे है ना। हाँ, जब मैरून पहन के छोटा सा था तकरीबन कितने महीने पहले, 4 महीने पहले, दिसंबर जनवरी 4 महीने पहले। हाँ केक नहीं दिया हुसैन को, हुसैन को केक नहीं मिला। ये लो ये साफ कर लो। हेलो लाइबा कैसी हो, आते लो। वालेकुम सलाम जागिर कैसे हो, और लाइबा को देखो इतनी ठंड में भी गर्मी लग रही है ना। लाइबा ने हिरण का गोश्त खा लिया है, लाइबा ने हिरण का गोश्त खाया हुआ है ना, गर्मी गर्मी लग रही है इसे, इतनी सर्दी में घाप से ड्रेस पहनी है। तुम वहाँ से आई हो ना अभी कोयटा से है ना, इसलिए तुम्हें मियाँ नहीं लग रही है, वहाँ बहुत ठंड थी ना। ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा किसी ठंडे इलाके से आते हैं ना। हाँ तो वैसे ही होता है, सही। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि आज का व्लॉग मैं ना बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही होता रहा ना तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अपने चैनल पे एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर दावतें और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसमें अगर व्लॉग में ना बनाती तो उस दिन की, तो क्योंकि मेरी कोई एक्टिविटी मेरे अपने घर की नहीं होती जिस दिन दावत वगैरह होती है, ना तो मैं उस दिन कुकिंग करती हूँ, ना मेरे अपने घर में कोई काम हो रहा होता है। और आप लोगों ने देखा कि अभी भी मैं 2 दिन से ही लगी हुई थी जब जाके तैयारी वगैरह हुई है मेरी मुकम्मल ना, तो मैं कहती हूँ चलो ना कुछ चैनल पे आने से बेहतर है कि कुछ तो चैनल पे अपलोड कर दिया जाए और आप लोगों के साथ जो है कनेक्ट में रहूँ। तो बस यही कोशिश होती है, क्योंकि एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, उसमें इतनी बड़ी एक फ़ैमिली है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत जो है इतनी खूबसूरत सी मुझे, इतनी प्यारी सी जो है मुझे एक फ़ैमिली दी है यूट्यूब की, तो इतने लोग एक वेट कर रहे होते हैं पीछे, तो अच्छा नहीं लगता कि इतना वेट जो है ना आप लोगों को करवाया जाए और आप लोग भी फिर पीछे देखते हो, फिर आप लोगों को हो सकता है कि ये लगता हो कि शायद हमें आपकी कदर ही नहीं है या फिर मुझे कोई फिक्र ही नहीं है आप लोगों की। तो मैंने कहा चलो कुछ ना डलने से बेहतर है कि कोई छोटा मोटा ब्लॉग जो है वो अपलोड हो ही जाए। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने ब्लॉग के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूटीन दिखाऊँ, अपने ही अपडेट जो है ना मैं आप लोगों को देती हूँ। ये वैसे आप लोगों किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे किसी हालत में देखना ही नहीं है, खुद के लिए अपने खुद के लिए मंगवाए। तो बच्चों ने जो ना केक कटिंग के बाद एक भी बलून नहीं छोड़ा और सारे हॉल का जो है ना उन्होंने जो इतना अच्छा सजा हुआ था ना सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया था। हमेशा यही होता है जब भी कोई बर्थडे पार्टी होती है ना, जब मेरे बच्चों की भी थी तो उस टाइम पे भी सारे बलून्स बच्चों ने ना ख़त्म कर दिए थे। तो खैर अच्छा भी लग रहा होता कि बच्चे इसी चीज़ को इन्जॉय कर रहे होते हैं, अगर बच्चों को आप डांटते ही रहोगे तो फिर बच्चे बेचारे बोर से हो जाते हैं। और ये जो इवेंट्स होते हैं मैं समझती हूँ कि ये होते भी बच्चों की हैं, बच्चों ही के जो ना इवेंट होते हैं, क्योंकि हम बड़े तो एक तरफ ही बैठे हुए बस खाना खा रहे होते हैं या तो बस बच्चों को ही देख रहे होते हैं,
और बच्चे भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। तो खैर, आज की बर्थडे पार्टी आप लोगों को कैसी लगी? हम लोगों ने बस खाना खा लिया था, अभी यहाँ पे हम लोग ग्रीन टी पी रहे थे क्योंकि मेरे भी गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी और सदाबाजी की भी तबीयत सही नहीं थी। बस वो आ गई थी क्योंकि अम्मी ने उनको इतने प्यार से बुलाया था, तो बस होता है ना कि मोहब्बत से कोई बुलाता है तो फिर जाना पड़ता है। अभी बस यहाँ पे हम लोग अब घर की तरफ निकले क्योंकि बाहर भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।